शुभ प्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में मैं कैरल मैम आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही खास कविता सीखेंगे, क्या क्या सफेद। चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। हमारी कविता का नाम है क्या क्या सफेद, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सफेद रंग की होती हैं। चलिए देखते हैं। क्या क्या सफेद। दादाजी के बाल सफेद, पर्वत की है बर्फ सफेद, हम सब के हैं दांत सफेद, सागर का है झाग सफेद, मैडम की है चौक सफेद। तो देखा क्या कौन कौन सी चीजें सफेद होती हैं। चलिए एक बार फिर से इसी कविता का अभ्यास करते हैं। क्या क्या सफेद। दादाजी के बाल सफेद, पर्वत की है बर्फ सफेद, हम सब के हैं दांत सफेद, सागर का है झाग सफेद, मैडम की है चौक सफेद। अब हम चित्रों के साथ इसी कविता का अभ्यास करेंगे। दादाजी के बाल सफेद। देखिए इस चित्र में दादाजी के बाल कितने सफेद हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। पर्वत की है बर्फ सफेद। देखिए पर्वत में बर्फ कितने सुंदर लगते हैं और कितने सफेद होते हैं। हम सब के हैं दांत सफेद। देखिए इन सब बच्चों के दांत कितने सफेद हैं। हम भी अपने दांत ऐसे ही सफेद रख सकते हैं, रोज उनका ख्याल रख के, रोज सुबह उठकर ब्रश करके। सागर का है झाग सफेद। देखिए सागर का पानी कितना खूबसूरत लग रहा है और उसका झाग कितना सफेद है। मैडम की है चौक सफेद। इस चित्र में मैडम बोर्ड पर सफेद चौक से सफेद लिख रही हैं। तो देखा आपने हमारी कविता क्या क्या सफेद से हमने कितना कुछ सीखा। तो चलिए आइए अब हम इसी कविता को थोड़े एक्शन के साथ सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करें। तो आपने देखा हमारे आसपास कितनी सारी सफेद चीजें हैं। तो चलिए आइए अब हम उसी कविता को थोड़े एक्शन के साथ बोलें। चलिए शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। क्या क्या सफेद। दादाजी के बाल सफेद, पर्वत का है बर्फ सफेद, हम सब के हैं दांत सफेद, सागर का है झाग सफेद, मैडम जी की चौक सफेद। चलिए हम एक और बार अभ्यास करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। क्या क्या सफेद। दादाजी के बाल सफेद, पर्वत की है बर्फ सफेद, हम सब के हैं दांत सफेद, सागर का है झाग सफेद, मैडम जी की चौक सफेद। तो मजा आया, अब हम इसे रोज अभ्यास करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको कविता पसंद आई, तो आप इसे रोज अभ्यास करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। आपका दिन शुभ हो। बाय।